हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। एंड ओडिशा एफसी ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है बाय बीटिंग बांग्लादेशी क्लब जो कि वसुंधरा किंग्स एंड क्वालिफाइंग फॉर द एएफसी कप नॉकआउट्स। भाई बहुत बढ़िया दिन था कल, एक हिस्टोरिक दिन था इंडियन फुटबॉल एंड स्पेसिफिकली ओडिशा एफसी के लिए। साथ ही साथ यहाँ पर भाई मनवीर सिंह एंड अनिरुद्ध थापा के बारे में जो इंजरी अपडेट्स है वो आ चुके हैं कि ये मालूम पड़ेगा कि वो लोग फिर से कभी खेलना स्टार्ट करेंगे फुटबॉल, फिर से कभी मैचेस स्टार्ट करना करेंगे, तो उसके ऊपर बात करेंगे। यहाँ पर मुझे लगता है एआईएफएफ एंड केएलआर ब्रदर्स जो कोच है एएन, ये इनके बीच में भाई बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। बिकॉज भाई दिन बर दिन मतलब कुछ चांस मिला नहीं, भाई ये लोग फाइन पे फाइन लगाते हैं, सस्पेंशन पे सस्पेंशन लगाते हैं, एक और सस्पेंशन, वन मैच बैन मिल चुका है यहाँ पर इवान को जो कि केएलआर ब्रदर्स के कोच है। साथ ही साथ यहाँ पर जो लास्ट टॉपिक रहेगा वो कि मोहन कुमार सुब्रजयन से अपना जो लास्ट मैच था एएफसी कप में वो हार चुके हैं। सो ये पांचों टॉपिक्स के ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे इस वाली वीडियो में। ओके सो पहले बात करते हैं भाई जिन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की है एंड इंडियन फुटबॉल को प्राउड फील करा है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर ओडिशा एफसी के लिए। एंड भाई एक अच्छी बात है कि जाऊ स्टार्ट करा था हमारा, मोतड़ा फॉल स्टार्ट करा था एंड मैच के बारे में देखो ज्यादा कुछ था नहीं, बिकॉज मेरे हिसाब से इट वॉज एक एवरेज परफॉर्मेंस, बट एक ऐसा परफॉर्मेंस जितना मतलब जो परफॉर्मेंस दिया है हमारे ओडिशा एफसी ने, इट वॉज इनाफ कि वो 1-0 की विक्ट्री ले सके एंड क्वालिफाई कर सके एएफसी कप के जो नॉकआउट है वो। एक थोड़ा कॉन्ट्रोवर्सी डिसीजन था कि जो कि वो रेड कार्ड दिया गया था वो रेड कार्ड था या नहीं था, बिकॉज मेरे हिसाब से वो रेड कार्ड ने पूरा गेम ही चेंज कर दिया था एंड आई डोंट थिंक सो वो रेड कार्ड था। बिकॉज आप देखोगे कि इतना वो सीवियर या तो इतना वो थ्रेटनिंग नहीं लग रहा था अगर आप बात करिए, लेकिन मेरे को लगता है कि भाई रेफरी ने क्या किया कि भाई बिकॉज उसके पहले भी ठीक है उसके अराउंड भी ना बहुत सारे वसुंधरा किंग्स शायद से टैकल्स पे टैकल्स मार रहे थे ठीक है, एंड उसका आई गेस फ्रस्ट्रेशन निकाल के शायद से मुझे रेड कार्ड दे दिया वो प्लेयर को। मेरे हिसाब से इट वॉज नॉट अ रेड कार्ड, इट वॉज अ हार्श रेड कार्ड मैं अगर बात करूं, बट वी डोंट केयर बिकॉज इट इज 1-0 विन भाई। एंड मुझे नहीं फर्क पड़ता कि भाई ओडिशा ने एक एवरेज परफॉर्मेंस दिया या तो वो रेड कार्ड नहीं था, आई डोंट केयर, आई जस्ट केयर कि भाई हमारी टीम 1-0 से जीत गई एंड एएफसी कप के लिए जो नॉकआउट है वो क्वालिफाई कर दी एंड मोतड़ा फॉल मैन मजा आ गया, व्हाट अ कमबैक दैट इज भाई। 3 से 4 मैच नहीं खेले फिर भी हमने कमबैक किया एंड इन फ्रंट ऑफ द होम फैंस कलिंगा स्टेडियम में ओडिशा एफसी ने यहाँ पर हिस्ट्री क्रिएट कर दी। पहले 2 मैचेस हार गए थे किन्होंने, किसने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये टीम नॉकआउट्स में जाएगी, बट देन ये टीम ने जो कैरेक्टर, जो यूनिटी शो की है, जो मेंटालिटी दिखाई है, हैट्स ऑफ टू ईच एंड एवरी प्लेयर एंड ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ दिस क्लब भाई, यू थॉरली डिजर्व एंड होपफुली हमें देखने मिले ओडिशा एफसी और अच्छे से परफॉर्मेंस कर सके। एंड अभी जनवरी विंडो भी आ रहा है, लेट्स होप कि कुछ और रीइन्फोर्समेंट्स ऐड कर सके एंड टीम को और स्ट्रॉन्ग कर सके। बट एमएस जाओ, मोतड़ा फॉल, everyone deserves this credit, this win and बहुत खुश हूँ भाई। और जैसे कि मैंने बोला we don't care about the performance because जो main था वो win था ठीक है, जो 3 points थे वो हमें मिल चुके हैं। साथ ही साथ थोड़ा बात कर लेते हैं मोहन बगान सुपर जायंट्स एंड माजी एफसी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मोहन बगान सुपर जायंट्स की अगर आप टीम देखोगे तो आई गेस जो ज्यादा सीएफएल नहीं देखते तो उनको तो पता नहीं रहेगा, बट मेरे को भी ज्यादा पता नहीं है। सुमित राठी, दीपक तंगरी थे, साथ ही एक सुअल भट्टा, बाकी सब जो कलकत्ता फुटबॉल लीग में खेलते तो वो उन्होंने स्टार्ट किया था। और ये अगर आप जब लाइनअप देखते हो तो इससे मालूम पड़ जाता है कि भाई जो मोहन बगान थे वो इंटरेस्टेड नहीं थी लास्ट मैच खेलने के लिए एंड इट इज ऑब्वियसली भाई अंडरस्टूड बिकॉज आईएसएल अभी इंपॉर्टेंट हो गया। लेकिन 1-0 की विक्ट्री है उसमें कुछ ज्यादा बात करने के लिए नहीं है, लास्ट मैच हार गए, बट या इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस फॉर द यंगस्टर्स ऑफ मोहन बगान। तो ये तो हो चुकी है। अब बात करते हैं हमारे इवान विकनाविच भाई। यहाँ पर इफ यू थिंक सो भाई इवान और एएफएफ का बहुत तगड़ा रिलेशनशिप है, बिकॉज भाई कुछ भी होता है आप बैन दे देते हो, सस्पेंशन दे देते हो और एक और 1 मैच बैन मिल चुका है यहाँ पर इवान विकनाविच जो कि है केएलआर ब्रदर्स के कोच। जी हाँ, 29 तारीख को जो मैच था उनका सीएफसी के साथ, तो वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कमेंट्स किया था एंड उन्होंने थोड़े थोड़े कमेंट्स किए थे रेफरी के ऊपर कि भाई इट्स नॉट द प्लेयर्स, या तो टीम इन्फ्लुएंस नहीं करेगी या तो टीम हेल्प नहीं करेगी मैचेस जीतने के लिए, या तो इफेक्ट इन्फ्लुएंस करेगी, बट वो जो इन्फ्लुएंस करेगा, जो चेंजेस लाएगा, जो इम्पैक्ट लाएगा वो रेफरी लाएगा ड्यू टू देयर बैड डिसीजन। तो ऐसे सब रेफरी ऐसे सब कमेंट्स बोले थे एंड सी मेरे हिसाब से मतलब ठीक है चलो एएफएफ वाले बेटे वहां पर तो उनको तो सिर्फ सस्पेंशन देने आते हैं, बट जो एक्चुअल में वो उसको डील करते रेफरीज के साथ डील करते जो प्लेयर्स है उनको पता है कि कितना इम्पैक्ट पड़ता है ठीक है, तो आप वहां पर सस्पेंशन वगैरह दे सकते हो ठीक है, आपको कुछ मानू नहीं है। बट भाई इवान को पता है, बाकी सब पूरी आईएसएल टीम्स को पता है कि भाई उनको पता है कि भाई हाँ भाई रेफरी कैसे रहते हैं, वो लोग झेलना पड़ता है, उनको झेलना पड़ता है, एएफएफ को तो सिर्फ भाई सस्पेंशन देना पड़ता है, 50,000 ले लो पैसा वैसा एंड ये हुआ, 1 मैच बैन मिल चुका है और पंजाब एफसी के साथ इवान नहीं रहेंगे, नहीं देखने मिलेंगे एंड साथ ही साथ 50,000 फाइन लगा है। तो मुझे नहीं लगता भाई ये लोग इतना पैसा केएलआर ब्रदर्स से लेते हैं, या आई रियली डोंट नो कि क्या करते हैं, या तो इनके पास फंड्स जो फंड्स है वो नहीं रहते और इसलिए फंड्स मांगते हैं इनसे।
सो आई रियली डोंट नो, बट भाई एक जो बोलना चाहूंगा भाई, मैं फुल सपोर्ट में हूँ इवान, बिकॉज भाई देखो इवान को पता है, इवान की टीम ने वो झेला है कि भाई रेफरी का क्या सर्कमस्टेंस है, रेफरी कैसा गंदा रेफरी करता है, तो इसलिए तो आई गेस आई एम विद केबीएफसी कोच इवान एंड आई फुल्ली सपोर्ट, बट अभी एक मैच बैन एंड 50,000 जो फाइन है तो वो भरना पड़ेगा अभी केबीएफसी वाले को। एंड साथ ही साथ अभी बात करते हैं भाई मनवीर एंड थापा की इंजरी, एंड एक सिंपल सी जो बात बोलूं भाई हमारे लिए गुड न्यूज है, बिकॉज मनवीर एंड थापा की जो भी इंजरी है, जो भी कंसर्न्स है भाई, वो एकदम मिनिमम है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। एक हफ्ते के बाद या तो आप बात कर लो 7 से 8 दिन के बाद मनवीर एंड जो थापा है वो स्टार्ट करने लग जाएंगे मोहन बगान के लिए एंड फिर से फुटबॉल खेलने लग जाएंगे। मनवीर के बारे में बात करें तो भाई सफरिंग फ्रॉम अ क्वाड्रिसेप रेकलेस फेमोंस, ठीक है ये थोड़ा टेक्निकल टर्म है तो इसमें जान दो, बट एक वीक के बाद वो स्टार्ट कर सकते हैं तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो बस एक वीक के लिए बाहर रहेंगे एंड देन ही विल बी फिट एंड फाइन फॉर द क्लब एंड ऑल्सो द कंट्री। बात करें थापा के लिए तो थापा का जो इंजरी हुआ था वो वाले मैच में तो वो भी माइनर है, एकदम कुछ सीवियर नहीं है, बट अगर आपको पता है कि उसका जो राइट हैंड है, ठीक है राइट हैंड में वो थोड़ा पट्टी बांध के रखता है तो वो थोड़ा एल्बो इंजरी है एंड आई गेस उसके लिए यहाँ पर बोला है कि भाई 4 से 5 दिन का उसको थोड़ा रेस्ट दिया जाए एंड देन वो भी एक हफ्ते के बाद स्टार्ट कर सकता है। एंड तो भाई इंडियन फुटबॉल फैंस के लिए भाई कुछ क्या उसको डरने की बात नहीं, बिकॉज दे बोथ विल बी फाइन एंड वो लोग फिर से कम बैक कर सकते हैं। एंड यहाँ पर एक और जो क्रेडिट जाता है बसुना किंग्स को, जी हाँ दोस्तों बसुना किंग्स भाई, अगर मुझे आई डू फील कि अगर वो रेड कार्ड नहीं दिया जाता, ठीक है अगर वो रेड कार्ड नहीं दिया जाता तो मुझे लगता है कि भाई एक टफ कॉन्टेस्ट होता एंड ओडिशा एफसी थोड़ी प्रॉब्लम में आ सकती थी, बट जैसे ही वो रेड कार्ड मिला 10 मैन हो गए बसुना किंग्स, तो उसके बाद थोड़ा इजी हो गया था एंड इन फ्रंट ऑफ द होम फैंस वगैरह, बट भाई बसुना किंग्स को भी आपको देना पड़ेगा बिकॉज दे हम बोलते ना कि भाई दे आर अ टॉप क्लब, सबसे बेस्ट क्लब है बांग्लादेश की, दे आर फॉर द रीजन बिकॉज भाई जान खतरे में आ गई थी, ठीक है जान खतरे में आ गए थे बिकॉज फर्स्ट हाफ तक भाई नील नील थे और फाइनली भाई कॉर्नर से गोल आ गया, बाकी तो इट वॉज फाइनली बटी एज ए इंडियन फुटबॉल फैन वी आर हैप्पी एंड जो चाहिए था हमें मिल चुका है। अब लेट्स हो कि हमें ओडिशा एफसी अच्छे से अच्छे कर सके नॉकआउट्स में एएफसी कप के बारे में, एंड फिलहाल तो हम लोग एएफसी कप के मैचेस नहीं खेलेंगे, अभी डायरेक्ट फरवरी में खेलने वाले तो अभी के लिए तो रेस्ट है, बट या लेट्स सी। बट यस यार इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है, आई रिली यू आपको वीडियो पसंद आ रहेगा, आपके क्या थॉट्स है, आपको कैसा लग रहा है भाई हमारी ओडिशा एफसी नॉकआउट्स में पहुंच के, जरूर कमेंट सेक्शन में आपका प्यार आपका जो भी रिएक्शन है वो शेयर कीजिए एंड मिलेंगे एक और नए वीडियो में, जब तक आप आपका एंड आपकी फैमिली का ध्यान रखिएगा, बाय बाय टेक केयर एंड इसी तरह हम लोग फॉलो करेंगे एंड सपोर्ट करेंगे इंडियन फुटबॉल को।